किसान मोर्चा ने आज सोमवार को 6 घंटे देशव्यापी रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया है। किसानों की बीजेपी की केंद्र सरकार से मांग है कि लखीमपुर हिंसा बवाल में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को भारत सरकार में मंत्री पद से हटाया जाए। मोर्चा ने साफ कर दिया है कि लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड में जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक प्रदर्शन लगातार तेज होता जाएगा। जम्मू कश्मीर में अचानक से आतंकी हमलों और साजिशों में तेजी देखी गई। 6 दिन में भारतीय सेना के 2 जूनियर कमीशन अफसरों समेत कुल 9 जवान शहीद हुए। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को शक है कि जंगलों में मौजूद कुछ आतंकियों को पाकिस्तानी सेना के कमांडोज ने ट्रेनिंग देकर घुसपैठ कराई है। आतंकी हमलों में कुछ गैर कश्मीर मूल के लोग भी मारे गए हैं। कोविड टास्क फोर्स के चीफ डॉक्टर वी के पॉल ने बच्चों के वैक्सीनेशन, वैक्सीन की सप्लाई और कोरोना के खतरे पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि सरकार वैज्ञानिक तर्क के साथ साथ बच्चों के लिए उपलब्ध वैक्सीन की सप्लाई की स्थिति के आधार पर कोई फैसला लेगी। भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का असर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। देश में एक्टिव केस की संख्या में कमी दर्ज की जा रही है। नए केस में भी 10,000 से 20,000 के आसपास ही आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 14,289 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 19,578 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 165 लोगों की मौत हुई। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 24 करोड़ 14 लाख हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 48 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6,65,00,000,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। अनुसूचित जाति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में क्रिकेटर युवराज सिंह को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के हिसार जिले के हांसी में उनकी गिरफ्तारी हुई। हालांकि उन्हें औपचारिक जमानत पर रिहा कर दिया गया। युवराज पर आरोप है कि उन्होंने पिछले साल रोहित शर्मा से लाइव चैट में युजवेंद्र चहल की जाति को लेकर अपमानजनक टिप्पणी। आज भारतीय टीम का सामना वार्म अप मैच में इंग्लैंड के साथ होगा। दोनों टीम के बीच ये मैच दुबई के मैदान में खेला जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ अभ्यास मैच में भारतीय टीम के पास कई सवालों के जवाब तलाशने का बढ़िया मौका होगा। साथ ही कप्तान विराट कोहली की नजरें ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या की गेंदबाजी और सही टीम कॉम्बिनेशन बनाने की भी होगी। देश में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। कई इलाकों में तेज बारिश पड़ रही है तो वहीं कहीं मौसम ठंडा हो चुका है। भारतीय मौसम विभाग ने 18 अक्टूबर को मौसम की जानकारी शेयर की है। मौसम विभाग का कहना है कि आज देश के कई इलाकों में अगले 2 घंटे के लिए गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है। पेट्रोल डीजल की बेतहाशा बढ़ती कीमतें आम आदमी की जेब का बजट बिगाड़ रही हैं, लेकिन इसकी लगाम किसी सरकार के हाथ में नहीं है। वहीं केंद्र हो या राज्य सरकारें दोनों ही अपना टैक्स घटाना नहीं चाहती। ऐसे में आम जन की हालत खराब होती जा रही है। हालत यह है कि देश के कई शहरों में पेट्रोल 117 रुपये प्रति लीटर पर जा पहुंचा है। वहीं डीजल ने भी शतक लगा दिया है। हफ्ते के पहले दिन बाजार की मजबूती के साथ शुरुआत हुई है। सेंसेक्स 61,817 पर और निफ्टी 18,500 पर खुला। फिलहाल सेंसेक्स 380 पॉइंट चढ़कर 61,685 पर और निफ्टी 115 पॉइंट चढ़कर 18,450 पर कारोबार कर रहा है।